मॉर्निंग, आज हम जा रहे हैं खरदुंगला और नुब्रा वैली, वहाँ पे हमारा स्टे होगा। इस समय लगभग 8:15 बज चुके हैं सुबह के और हमारी बाइक के पैकिंग हो चुकी है, बस अब हम निकलेंगे, मिलते हैं आपको। हेलो एंड वेलकम 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 टू एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम day 3 में पहुंच गए थे लेह में दिल्ली से, और अभी तक आपने अगर वो व्लॉग नहीं देखे हैं तो आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप प्लीज़ जाके पहले वो व्लॉग देख लीजिए ताकि हमारी जर्नी का एंजॉय कर पाएँ। और आज हमारी जर्नी शुरू होगी है, आज का मैं प्लान बता दूँ, हम जा रहे हैं नुब्रा वैली। तो ये बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है नुब्रा वैली का रास्ता। आज का जो हमारा प्लान है, हमने जाना है नुब्रा वैली वाया खरदुंगला होके। तो खरदुंगला जो है पूरे लद्दाख का सबसे ऊंचा माउंटेन पास है, मोर देन 17,500 फीट पे। कहा जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की काफी कमी है और ज्यादा देर वहाँ पे रुकना नहीं है, तो हम जल्दी से ही अपनी थोड़ा फोटोग्राफी करके वहाँ से निकल लेंगे। आज की हमारी राइड शुरू हो चुकी है, तो अब मिलते हैं आपको आगे। चलो बहुत बढ़िया भाई, देखो मिल गए ना पहले। यही है चिराग वाटिया। दोस्तों अभी हम साउथ पोलू पहुंच गए हैं और ये एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमने जो इनर लाइन परमिट बनवाए हुए हैं तो यहाँ पे हमें चेक करवाने पड़ेंगे, अपनी बाइक की एंट्री करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे वो है नॉर्थ पोलू पे। दोस्तों 20-25 किलोमीटर काफ़ी शानदार रोड थी और उसके बाद तो पूरा हाल हो गया है इस रोड का, पूरी ऑफ रोडिंग रोड हो चुकी है। ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस हाईवे को काफ़ी चौड़ा किया जा रहा है। हालत देखिए इस रोड की, सिर्फ एक ही गाड़ी एक समय में निकल सकती है, इसकी वजह से काफ़ी जाम भी लगते हैं इस रूट पर। तो अभी देखिए रोड की हालत क्या होगी है, और लेकिन जो यहाँ के पूरे व्यूज़ हैं बहुत ही शानदार हैं। और जहाँ यहाँ से जो खरदुंगला का डिस्टेंस रह गया है वो लगभग 5-6 किलोमीटर ही रह गया, तो हम पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। हम काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं जिसकी वजह से पूरे माउंटेन क्लियर नज़र आ रहे हैं और बहुत ही शानदार नज़र आ रहे हैं, पूरे बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप खरदुंगला में हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी और हम वहाँ थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, उसके बाद निकल पड़ेंगे नुब्रा वैली की तरफ। दोस्तों ये सामने आप जो देख पा रहे हैं ये रास्ता है, अब हम जाएंगे नुब्रा वैली की तरफ। ये काफ़ी झिकझक रास्ता है और अब हम डाउन की तरफ जाएंगे क्योंकि हम अभी टॉप पे खड़े हैं, अब पूरा नीचे डाउन की तरफ जाएंगे। आगे पहला गांव आई थिंक खरदुंग आएगा और खरदुंग में जाके हम वहाँ पे लंच करेंगे क्योंकि काफ़ी भूख लग रही है। उससे पहले हमें नॉर्थ पोलू पे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। पे पहुंच गए हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले हमें मिला था साउथ पुलू, अभी है नॉर्थ पुलू। यहाँ पे भी हमें डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे और अपनी बाइक की पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। तो आप इनर लाइन जब भी परमिट बनवाएं 3-4 कॉपी उसकी अपने साथ रखें क्योंकि हर बार आपकी देनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट चेक करा के थोड़ा रेस्ट करके फिर हम आगे निकलेंगे नुब्रा वैली की तरफ। और अभी आगे खरदुंगला तो वहाँ पे कुछ खाने का अच्छा मिलेगा तो हम वहाँ पे ही लंच करेंगे।
वेलकम टू वेंगचॉक रेस्टोरेंट। हमारा अभी हो चुका है लंच टाइम। काफी देर सुबह से हम राइड कर रहे हैं और रास्ता बहुत ही गंदा था, जिसकी वजह से हम 20 या 25 की से ज्यादा स्पीड हमने मेंटेन नहीं कर पाए। हम अपना लंच यहाँ पे कर रहे हैं खरदुंग में। और दोस्तों, नुब्रा वैली में आप सभी का स्वागत है। ये है नुब्रा वैली। काफ़ी देर जिगजग चलाने के बाद कुछ स्ट्रेट रोड आई है। हम यहाँ पे अब कुछ फोटोग्राफी करेंगे के बाद हम चलेंगे अंदर को। दोस्तों, अभी मैं ये नुब्रा वैली में खड़ा हूँ। चारों तरफ का नज़ारा देखिए, कितनी शानदार वैली है ये। मज़ा आ रहा है देखने में, आपको भी जरूर मजा आएगा। बहुत ही शानदार है। पूरे नज़ारे यहाँ पे, बस हम ही लोग हैं यहाँ पे। और ये हमारी बीस्ट, तीन बड़ी बीस्ट है हमारी जो हमारे साथ चल रही हैं अभी तक। अभी हम जाएंगे दीक्षित आगे, जो 20 किलोमीटर आगे, वहीं मिलेंगे आपको। दोस्तों, ये वो रास्ता देख रहे हैं जहाँ से मैंने बोला था कि हम नुब्रा वैली में एंटर कर दिए। ये वो रास्ता है सामने वाला, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है वो, वहीं से हम आए थे। तो ये हम एक वाटरफॉल को देख के रुक गए हैं यहाँ पे। आपने देखा कि कितना शानदार वाटरफॉल है, ये देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल है। अभी तक फर्स्ट हमें एक वाटरफॉल नज़र आया है। और ऊपर हमने आइस देखी थी खरदुंगला में, और यहाँ पे वाटरफॉल देखा। वी आर एंटर्ड इन डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे एंट्री फीस लगती है, तकरीबन 20 रुपये लिए हैं हमसे। और अगर आप ड्रोन यूज़ करते हैं तो उसके लगभग 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये सब फीस इस पे मेंशन की हुई है इनके एंट्री गेट पे। तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे 109 फुट का बुद्धा स्टैचू। बहुत ही शानदार बुद्धा स्टैचू है। यहाँ पे हम अब फोटोग्राफी करेंगे और इसके बाद हम चलेंगे वापसी अंदर को। हम आए हैं गौतम बुद्ध की 109 फुट की मूर्ति देखने। यह दीक्षित है और ये मोनेस्ट्री है सामने की तरफ, और ये 109 फुट की मूर्ति है और उसके चारों तरफ नुब्रा वैली। अंदर का सैंड ड्यून्स इलाका है। यहाँ के देखिए रेतीले टीले कितने हैं, चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ साथ में रेत के टीले। बहुत ही शानदार जगह है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने देखिए पूरा रेत का टीला है, ये नीचे भी हमारे रेत हैं। नुब्रा वैली अपने आप में ही बहुत शानदार जगह है और यहाँ देखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। और अंदर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे रह गया है। आज हमारा कैंपिंग है, रात की नाइट स्टे अंदर में है। और हम अभी अपने कैंप में स्टे करेंगे। और ये देखिए सामने लोकल बच्चे यहाँ के अंदर के हमारा वेलकम कर रहे हैं, हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं। कितना बहुत ही शानदार फील हो रहा है, बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। तो काफ़ी मिलनसार है यहाँ के लोग, काफ़ी बच्चे भी काफ़ी मिलनसार हैं यहाँ के। अभी हम जा रहे हैं अपने कैंप में। तो आज का जो हमारा नाइट स्टे है वो कैंप में होगा, और डिनर हमारा यहीं है और ब्रेकफास्ट हमारा यहीं है। तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम हम कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ लद्दाख में।
पैराडाइज नॉर्थ कैंप, ये हमारे कैंप का नाम है। तो ये लगभग हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप में। आज हमारा स्टे कैंप में है, लद्दाख में ये हमारा फर्स्ट डे है कैंप में। अभी हम अपना यहाँ पे सामान अनलोड करके अपने कैंप में रखेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे अपना सैंड ड्यून देखने, जो कि पास में ही है। तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट देख के और डबल हम जो कैमल है वो यहीं पे मिलते हैं, वो भी हम देखेंगे। हम फिर वापसी जाएंगे अपने कैंप में। दोस्तों, सैंड ड्यून्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे सभी लोग आके मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे मेन विशेषता यहाँ कैमल राइड है यहाँ की, और रेत में घूमने आते हैं लोग, रेत पे खेल रहे हैं घूमने। तो दोस्तों, आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आया हो व्लॉग तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगर कोई भी मेरा दोस्तों नया व्यूअर्स है जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एट लास्ट दोस्तों, राइड हार्ट, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।